बैक आपको रूबरू कराते हैं पुराने जमाने के सिक्कों और रुपयों से। जी हाँ, उन सिक्कों और रुपयों से जो अब चलन में भी नहीं है, बस इतिहास के पन्नों पर उनका जिक्र मिलता है कि देखिए इस रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पप्पू प्रेम, मुंबई से कॉइन डीलर आपके सामने हाजिर हूँ। एक बहुत अच्छी वीडियो आज हम लोग लेके आए हैं। कॉइन एग्जीबिशन अभी मुंबई में फिलहाल ही लगने वाला है, वहाँ पे आप कलेक्शन खरीद भी सकते हैं और कलेक्शन बेच भी सकते हैं। सो गाइज, अगर आपके पास में इंडिया के प्राचीन काल के पुराने जमाने के नोट और सिक्के हैं तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों आज आपको किसी भी प्रकार की कोई ऐप डाउनलोड नहीं करनी होगी, कोई फीस नहीं देनी होगी किसी को। दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन के नाम से एक रुपया भी फीस नहीं देनी है। सीधा ही दोस्तों अभी मैं आपको पप्पू प्रेम जी के नंबर दूंगा जो कि मुंबई के रहने वाले हैं। मुंबई में दोस्तों सबसे बड़ा ऑल कॉइन एग्जीबिशन लगा हुआ है 2022 का। मुंबई में कहां पर एग्जीबिशन लगा हुआ है आप पप्पू प्रेम जी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही में दोस्तों अभी मैं आपको इस वीडियो में तीन अलग अलग बायरों के कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा जो कि मुंबई के रहने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों अगर आप लोग जो किसी भी क्षेत्र के रहने वाले हो तो भारत में इंडिया में है जो 5 नए शहरों में सिक्का प्रदर्शनियां लगी हुई है, मुद्रा प्रदर्शनियां लगी हुई है, वहां पर भी दोस्तों आप जा सकते हैं। चेन्नई में जा सकते हैं, दिल्ली में जा सकते हैं, लखनऊ हो गया, बॉम्बे हो गया, इनके अलावा दोस्तों गुजरात अहमदाबाद हो गया। और साथ ही में दोस्तों मुंबई में 2022 का सबसे बड़ा ऑल कॉइन एग्जीबिशन लगा हुआ है। मुंबई में दोस्तों सबसे बहुत बड़े बड़े जो डीलर लोग आए हुए हैं हांगकांग और लंदन से, बाहर फॉरेन कंट्री के है जो यहाँ पर इस एग्जीबिशन में है, जो डीलर आए हुए हैं, कलेक्टर्स आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारे लोग अपने पुराने नोट और सिक्के सेल करने के लिए आए हुए हैं। इसी तरह दोस्तों आप भी यहाँ पर आप आ सकते हैं और आपके पास में जो भी इंडिया के प्राचीन काल के पुराने नोट और सिक्के हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। दोस्तों इस एग्जीबिशन में 10 नोट और 10 सिक्के नीलामी के लिए रखे गए हैं जिनकी प्राइस प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा चल रही है और डिमांड भी फुल चल रही है। अगर आपके पास में उनमें से किसी भी प्रकार का पुराना नोट और सिक्का मिल जाता है, एक नोट या फिर एक सिक्का मिल जाता है तो भी दोस्तों आप इस वीडियो के माध्यम से कम 1,20,000 रुपए कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वे कौन कौन से नोट और सिक्के हैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगी। साथ ही में दोस्तों अभी मैं आपको इस वीडियो में मेरे खुद के भी कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा जिससे कि दोस्तों आपका कोई भी एनी क्वेश्चन है तो आप मेरे से आराम से पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग सच में अपने पुराने नोट और सिक्के सेल करना चाहते हैं तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यानपूर्वक देखना होगा। काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो वीडियो को आगे पीछे करके देखते हैं तभी दोस्तों उनको कॉन्टेक्ट नंबर नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों आप सच में अपने पुराने नोट और सिक्के सेल करना चाहते हैं और कॉन्टेक्ट नंबर लेना चाहते हैं, अलग अलग बायरों के नंबर लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो दोस्तों आपको आगे पीछे करके नहीं देखना है। इनके अलावा दोस्तों अभी मैं आपको जो मुंबई में ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन लगा हुआ है उनके अंदर है जो 10 नोट और 10 सिक्के नीलामी के लिए रखे गए हैं। जैसे कि अगर आपके पास में 5 रुपए वाला ट्रैक्टर वाला नोट हो गया, श्री माता वैष्णो देवी जी की तस्वीर वाला कॉइन्स हो गया, इंदिरा गांधी वाला, जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर वाला कॉइन हो गया। इनके अलावा दोस्तों अगर आपके पास में जो 25 पैसे वाला कॉइन्स होता है, जो सबसे छोटा कॉइन्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसा अगर आपके पास में कॉइन्स मिल जाता है तो भी दोस्तों यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। कोई भी अगर आपके पास में पुराने नोटों और सिक्कों की, पुराने नोटों की पूरी गड्डी मिल जाती है या फिर पुराने सिक्कों का पूरा एल्बम मिल जाता है तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, बहुत अधिक पैसे मिलेंगे। अगर आपके पास में ज्यादा नोट और सिक्के मिल जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको सम्मानित भी किए जाएंगे। तो दोस्तों आपके पास में कौन कौन से नोट और सिक्के हैं आप हमें जरूर बताइएगा। इनके अलावा अभी मैं आपको इस वीडियो में जो अभी नोट और सिक्के 10 नोट और 10 सिक्के बताने वाला हूं ना, उनमें से अगर आपके पास में कोई भी नोट और सिक्का मिल जाता है तो आप 10 मिनट के अंदर है जो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो में दी गई जानकारी को पहले समझे, फॉलो करें, तभी दोस्तों मैं आप लोगों की मदद कर पाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जो आप ये कॉइन्स देख रहे हो ये श्री माता वैष्णो देवी जी की तस्वीर वाला कॉइन्स है, ये 5 रुपए वाला कॉइन्स है और ये 10 रुपए वाला कॉइन्स है। अगर आपके पास में सेम ऐसा कॉइन्स मिल जाता है, यहाँ पर आपको श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड लिखा हुआ देखने को मिलेगा हिंदी में, और नीचे यहाँ पर आपको अंग्रेजी में श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड लिखा देखने को मिलेगा, और बीच में यहाँ पर आपको श्री माता वैष्णो देवी जी की तस्वीर देखने को मिलेगी। ये कॉइन्स है जो 2012 सिल्वर जुबली पे जारी किए गए थे, यहाँ पर आपको सन भी लिखा देखने को मिलेगा। इसमें दोस्तों अगर आपके पास में कोई भी ऐसा डायमंड मिंट मार्क वाला 10 रुपए वाला कॉइन
कॉइन्स मिल जाता है या फिर ऐसा स्टार मिंट मार्क वाला 5 रुपए वाला कॉइन्स मिल जाता है। अगर आपके पास में सेम ऐसे कोई मिंट मार्क वाले कॉइन्स है तो ही दोस्तों आप मेरे से संपर्क कीजिएगा या फिर इस एग्जीबिशन में आइएगा। अगर आपके पास में ऐसा कोई स्पेशल मिंट मार्क वाला कॉइन्स नहीं है तो दोस्तों आपको ज्यादा प्राइस नहीं मिलेगी। अगर आपके पास में ऐसे 5 रुपए वाला 10 रुपए वाला ऐसे दोनों कॉइन्स मिल जाते हैं तो उसकी कीमत यहाँ पे आपको कम से कम 6 लाख रुपए मिल सकती है। और अगर आपके पास में ऐसा 5 रुपए वाला एक कॉइन्स मिल जाता है तो उसकी प्राइस यहाँ पे आपको 3,82,000 रुपए मिलने वाली है। प्रेजेंट टाइम में ऐसे हैं जो मुंबई वाले ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन के अंदर है जो टोटल 7 लाख कॉइन है जो कलेक्शन में चाहिए। आपके पास में ऐसे श्री माता वैष्णो देवी जी की तस्वीर वाले कॉइन्स हैं तो दोस्तों आप भी यहां पर इस एग्जीबिशन में आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो में आपको जो कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूँ उन्हीं पर आपको संपर्क करना होगा। वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स में नंबर मिलते हैं उनसे दोस्तों आपको कॉन्टेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना होगा। दोस्तों अगला यहाँ पर जो आप ये कॉइन्स देख रहे हो ये है जवाहरलाल नेहरू और ये इंदिरा गांधी वाला कॉइन। यहाँ पर आपको इंदिरा गांधी हिंदी और अंग्रेजी में लिखा देखने को मिलेगा, जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ पर आपको लिखा देखने को मिलेगा। बीच में यहाँ पर आपको जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी की फोटो भी देखने को मिलेगी। सन लिखा देखने को मिलेगा 1989 और इंदिरा गांधी वाले कॉइन्स के अंदर यहाँ पर आपको सन लिखा देखने को मिलेगा 1917 और 1984। सन के जस्ट नीचे यहाँ पर आपको एक बर्ट मिंट मार्क देखने को मिलेगा, आप ध्यान से देखिएगा तभी दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके पास में ऐसा जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी वाला कॉइन्स डॉट मिंट मार्क वाला मिल जाता है तो दोस्तों उसकी प्राइस यहाँ पर आपको सच में है जो 2,65,800 रुपए मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों ये डॉट मिंट मार्क होना चाहिए तभी आपको इसकी प्राइस जितने मिलेगी। दोस्तों अगला यहाँ पर जो आप ये नोट देख रहे हैं 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोट है। ये नोट है जो 8 नवम्बर 2016 को मोदी सरकार द्वारा बैन कर दिए गए थे। अगर आपके पास में सेम ऐसे नोट मिल जाते हैं इनके अंदर दोस्तों मैं आपको एक यूनिक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको 6 डिजिट सीरियल नंबर में जो 00 सीरियल नंबर देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास में सेम ऐसे सीरियल नंबर वाला नोट मिल जाता है 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोट, इसके अलावा अगर आपके पास में कोई भी 786786 सीरियल नंबर वाले मतलब कि 7786 सीरियल नंबर वाला नोट मिल जाता है तो दोस्तों इसकी प्राइस यहाँ पर आपको 3,15,900 रुपए मिलेगी। अगर आपके पास में सीरियल नंबर के आगे पीछे 786 है, सिंगल है जो 786 सीरियल नंबर वाला ऐसा नोट मिल जाता है तो दोस्तों उसकी कीमत यहाँ पर आपको कम से कम 1,70,000 रुपए ही मिल पाएगी। लेकिन अगर आपके पास में ऐसे 6 डिजिट में 00 सीरियल नंबर है या फिर 6 डिजिट में जो 99 सीरियल नंबर वाला नोट मिल जाता है तो दोस्तों उसकी प्राइस यहाँ पर आपको 3,15,000 रुपए तक मिल सकती है। दोस्तों इसके अलावा अगर आपके पास में 1 रुपए वाला ऐसा नोट मिल जाता है यहाँ पर आपको 7786 सीरियल नंबर देखने को मिलेंगे और यहाँ पर ये आपको लिखा देखने को मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और बीच में यहाँ पर आपको 1 रुपए शब्द में लिखा देखने को मिलेगा, वाटर मार्क में आपको अशोक कृष्ण की फोटो देखने को मिलेगी, 1 रुपीज यहाँ पर आपको इंग्लिश में लिखा देखने को मिलेगा। ऐसा अगर आपके पास में 1 रुपए वाला 786 सीरियल नंबर वाला नोट मिल जाता है, 7786 सीरियल नंबर वाला नोट मिल जाता है तो दोस्तों उसकी प्राइस यहाँ पर आपको प्रेजेंट टाइम में 1,38,000 रुपए मिलेगी। ऐसे है जो अभी मुंबई वाले ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन के अंदर जो सिक्का प्रदर्शनियां लगी हुई है ना उनके अंदर जो 18 लाख नोट है जो कलेक्शन में चाहिए ऐसे 1 रुपए वाले, अगर आपके पास में ऐसे नोट का पूरा बंडल मिल जाता है तो भी दोस्तों वहां पर आप सेल कर सकते हैं जिससे कि दोस्तों आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, बहुत अधिक पैसे मिलेंगे। इनके अलावा अगर आपके पास में 10 रुपए वाला ऐसा मोर वाला नोट मिल जाता है तो दोस्तों उसकी प्राइस यहाँ पर आपको 92,610 रुपए मिलेगी। ऐसे है जो 8 लाख नोट है जो कलेक्शन में चाहिए। साथ ही में अगर आपके पास में दोस्तों यहाँ पर जो आप ये कॉइन्स देख रहे हो ऐसा 2 रुपए वाला कॉइन्स मिल जाता है, इसमें दोस्तों यहाँ पर आपको सन लिखा देखने को मिलेगा 2000 सेल्स, इसके यहाँ पर आपको सन के जस्ट नीचे डॉट मिंट मार्क देखने को मिलेगा, अशोक स्तंभ की फोटो यहाँ पर देखने को मिलेगी, भारत और इंडिया ऊपर आपको लिखा देखने को मिलेगा। ऐसा अगर आपके पास में 2 रुपए वाला कॉइन्स मिल जाता है डॉट मिंट मार्क वाला तो दोस्तों उसकी प्राइस यहाँ पर आपको 65,930 रुपए। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर जो आप ये कॉइन नोट देख रहे हो ये है 5 रुपए वाला ट्रैक्टर वाला नोट। यहाँ पर दोस्तों आपको एक किसान है जो ट्रैक्टर चलाता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर आपको भारत की अलग अलग राष्ट्रीय भाषाओं में जो 5 रुपए लेकर देखने को मिलेगा। और बीच में यहाँ पर आपको
इस तरह का वाटर मार्क में अशोक स्तंभ की फोटो देखने को मिलेगी, ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा देखने को मिलेगा। ऐसा अगर आपके पास में नोट मिल जाता है तो दोस्तों उसकी प्राइस यहाँ पर आपको प्रेजेंट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ 5,60,000 रुपए मिलेगी एक नोट के बदले। पहले प्राइस दोस्तों उसकी 4,82,000 रुपए है जो चल रही थी, लेकिन अब इसकी प्राइस जो बढ़ चुकी है। ऐसा अगर आपके पास में नोट मिल जाता है, कोई रेयर नोट मिल जाता है 786 सीरियल नंबर वाला नोट हो गया, या फिर 6 डिजिट में 00 सीरियल नंबर वाला नोट हो गया, 6 डिजिट में 99 सीरियल नंबर वाला नोट हो गया, इनके अलावा 6 डिजिट में 11 सीरियल नंबर वाला नोट हो गया, कोई भी अगर आपके पास में नोट मिल जाता है तो भी दोस्तों यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। ऐसा अगर आपके पास में 10 रुपए वाला नोट मिल जाता है तो दोस्तों उसकी प्राइस यहाँ पर आपको इतनी मिल सकती है। साथ ही में दोस्तों 1 रुपए वाला यहाँ पर जो आप ये कॉइन्स नोट देख रहे हो, यहाँ पर आपको सीरियल नंबर के पहले स्टार मिंट मार्क देखने को मिलेगा। अगर आपके पास में ऐसा स्टार मिंट मार्क वाला किसी भी प्रकार का नोट मिल जाता है, चाहे 1 रुपए का हो, चाहे 2 रुपए का हो, या इसके अलावा 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 500 और 1,000 रुपए के, या फिर 2,000 रुपए का भी कोई स्टार मिंट मार्क वाला नोट मिल जाता है, सीरियल नंबर के पहले कोई अगर आपके पास में ऐसा स्टार मिंट मार्क नोट मिल जाता है तो दोस्तों उसकी प्राइस यहाँ पर आपको कम से कम 2 लाख रुपए से लेकर है जो 8 लाख रुपए तक मिल सकती है। बाकी दोस्तों आपके नोट की कंडीशन पर डिपेंड करेगी कि आपके नोट के अंदर जो यूनिक चीज होनी चाहिए वे है या फिर नहीं है। कम से कम अगर आपके पास में स्टार मिंट मार्क वाला नोट है तो दोस्तों उसकी प्राइस यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर जो आप ये ऑल्ट कॉइन्स बायर देख रहे हो, इनका नाम है अनिल कुमार जैन जो कि मुंबई के रहने वाले हैं। इनको अगर आपके पास में 1 रुपए वाला नोट हो गया या फिर ऐसा नोट कॉइन्स मिल जाता है तो दोस्तों यहाँ पर आप इन्हें सेल कर सकते हैं। इंदिरा गांधी वाला कॉइन्स मिल जाता है तो आपको इन बायर से कॉन्टेक्ट करना होगा। इनका नाम है ओम प्रकाश जी गुप्ता जो कि मुंबई के ही रहने वाले हैं। दोस्तों इनका नाम है प्रिया जो कि दिल्ली की रहने वाली है, अभी है जो मुंबई वाले ऑल्ट कॉइन एग्जीबिशन में है। अगर आपके पास में ऐसा 2 रुपए वाला नोट मिल जाता है तो आप इन्हें भी सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने वीडियो में जो सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, सारी जानकारी दे रखी है, अलग अलग बायरों के कॉन्टेक्ट नंबर है जो लिस्ट वाइज दे रखे हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो को 1 भी सेकंड स्किप करके देखा है तो आपको नंबर नहीं मिले होंगे। कॉन्टेक्ट नंबर लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को एक बार दोबारा शुरू से लेकर लास्ट तक बड़े ही ध्यान से देखना होगा। वीडियो को आपको थोड़ा बहुत भी स्किप नहीं करना है, तभी दोस्तों आपको इनके कॉन्टेक्ट नंबर मिल पाएंगे। मोबाइल नंबर देने में ज्यादा समय नहीं लगता, नंबर मैंने वीडियो में दे रखे हैं, नंबर दिए जो वीडियो में दिए है ना उन्हीं पर आप कॉन्टेक्ट करोगे तभी दोस्तों आप लोगों के नोट और सिक्के बिकेंगे, वो भी बिना कोई रजिस्ट्रेशन फीस के। आपको विशेष का ध्यान रखना होगा, पुराने नोट और सिक्के सेल करने से पहले किसी को कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी। तो दोस्तों वीडियो में दिए गए नंबर पर ही कॉन्टेक्ट